हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण फ्रॉम टेक्निकल ट्यूटोरियल पॉइंट। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम बात कर रहे हैं हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की। आइए देखिए कि कैसा पैटर्न अब आ रहा है। तो सबसे पहला आ रहा है सेक्शन ए में जो अब वो पूछ रहे हैं MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बिल्कुल जो पैटर्न है, जो प्रीवियस पेपर हुए थे फाइनल ईयर के, उनसे बिल्कुल मिलता हुआ पैटर्न है। तो जो MCQ क्वेश्चन है वो 10 आ रहे हैं आपके, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब इसमें कोई कंसेशन में, कोई ऑप्शन में, कोई मतलब इसमें कोई छूट है नहीं। आपको 10 दिए हुए क्वेश्चन हैं और 10 ही आपने अटेम्प्ट करने हैं। ये नीचे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन कंपलसरी है। पर क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 1 मार्क्स का है, तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। 10 × 1 10 नंबर है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 10 मार्क्स के ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। MCQ है, आपने निशान लगाना है। जैसे कोई भी क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है, जैसे समझिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ भी दिया हुआ है, उसमें 4 ऑप्शन लिख के आ जाएंगे आपके, XYZ कोई भी क्वेश्चन है आपको गिवन होगा, उसके बाद 4 क्वेश्चन आ जाएंगे A, B, C और D। सिर्फ आपने आंसर में फर्स्ट का आंसर है जैसे डी या ए, आपको सिर्फ एक चॉइस आपने सिलेक्ट करनी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। उसके बाद सेक्शन बी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर मैक्सिमम पेपर्स में तो सिर्फ आपका फिलिंग दी ब्लैंक्स आ रहा है कि भाई जैसे कोई क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है, सिर्फ एक अक्षर का आंसर, सिर्फ एक 1 वर्ड का आंसर आप इसमें पुट कर दे रहे हैं। बट कुछ पेपर्स के अंदर ये पूरा एक नंबर का पूरा क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे डिफाइन फिट या डिफाइन कुछ भी कर देगा और आपको एक नंबर का उसका आंसर देना पड़ेगा। क्योंकि प्रीवियस जो पेपर हुए हैं उसमें देखा है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में तो आपका फिलिंग दी ब्लैंक्स आ रहा है, बट कुछ क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे रहा है। इसलिए बच्चे उसी तरीके से तैयारी करके चलना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की ही तैयारी करके चलना। मे बी आपका डैश वाला आ जाए, 1 वर्ड वाला, मे बी आपको कोई क्वेश्चन दे दे और उसका एक नंबर का सीधा आंसर पूछ ले। तो ये हो गया आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है आपके 10, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, क्योंकि 10 × 1 10 नंबर है, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। टोटल 20 मार्क्स का ये पेपर आपका कंप्लीट हो गया यहाँ तक सेक्शन ए और बी में। सेक्शन सी आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपके, नंबर ऑफ क्वेश्चन है 15। इसमें आपके पास चॉइस है, 3 क्वेश्चन की चॉइस है, क्योंकि आपको अटेम्प्ट करने हैं 12। 3 क्वेश्चंस की आपकी चॉइस है, एनी 12 क्वेश्चंस आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। पर क्वेश्चन का मार्क्स है 5 मार्क्स, तो ये 60 मार्क्स के हैं। सबसे ज्यादा फोकस करने वाला एरिया है ये, इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स हैं और इधर आपको चॉइस में क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। आप इजिली इन मार्क्स को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और इधर से आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है आपके, 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे आपको 3 क्वेश्चंस में से, मतलब चॉइस में 1 क्वेश्चन आपको मिलेगा, सिर्फ 1 क्वेश्चन चॉइस में मिलेगा, 2 आपको अटेम्प्ट करने होंगे 3 में से। पर क्वेश्चन का मार्क आपका पर क्वेश्चंस के जो मार्क्स होंगे 10 मार्क्स होंगे। अटेम्प्ट नंबर जो क्वेश्चन करने होंगे 2 करने होंगे। दोबारा एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, आपका जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं। पर क्वेश्चंस का मार्क्स जो है 10 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, टोटल मार्क्स 20। 60 + 20 सेक्शन सी और डी आपका 80 मार्क्स का है और ए और बी 20 मार्क्स का, तो टोटल आपका कितना हो गया, 100 मार्क्स का ये पेपर आपके पास आ रहा है। और आप लोगों को इस चैनल से हमेशा एग्जैक्ट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिली होगी, इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचाएँ, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि बच्चों तक एग्जैक्ट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन HSBT की पहुंच सके। हमारा चैनल नोट्स भी प्रोवाइड करता है। जिन जिन स्टूडेंट्स ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नोट्स हमसे लिए हैं या जो ले रहे हैं,
उनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और वो ऑल क्लियर भी हो रहे हैं, क्योंकि जैसे आप बुक में से एक सब्जेक्ट पढ़ने में जितनी मेहनत लगती है, उतने में आप हमारे नोट्सों में से 4 to 5 सब्जेक्ट्स इजिली अपने कवर कर सकते हैं। वेरी शॉर्ट नोट्स हैं, इन बुक की लैंग्वेज नहीं है, हमारी खुद की इसमें जो लैंग्वेज है वो काफ़ी इंग्लिश की लैंग्वेज काफ़ी सिंपल है, बच्चा इजिली अटेम्प्ट कर सकता है और इजिली वो अच्छे मार्क्स भी ले सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देना, दिस इज माय नेम, दिस इज माय कॉलेज नेम, मुझे इस सब्जेक्ट के नोट्स की ज़रूरत है, और आपके पास उस सब्जेक्ट के सैंपल नोट्स हम प्रोवाइड करवा देंगे। सैंपल नोट्स का मतलब वन चैप्टर के जो आपको प्रॉब्लम है, वन सब्जेक्ट के नोट्स आपके पास प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको लगता है कि इजी हैं जैसा सर बोल रहे थे, तो आगे फर्दर कन्वर्सेशन करेंगे कि आपको ये नोट्स कैसे मिलेंगे। जिन बच्चों को इस चैनल से काफ़ी बेनिफिट्स हुए हैं, इस चैनल से काफ़ी बच्चों को, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस चैनल को पहुँचाएँ, ताकि उन बच्चों तक भी ये बात पहुँच सके कि भाई पेपर का पैटर्न क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज़, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँच सके कि भाई पेपर होने हैं जो आपके, और आगे आपका HSBT में और क्या क्या होना है, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो इस चैनल के माध्यम से स्टूडेंट्स को मिलेगी, एग्जैक्ट और करेक्ट। नो कोई भी फालतू का कुछ भी नहीं कि भाई ये है वो, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि भाई एग्जाम है। एग्जाम का आप देखिए जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, ये हमारे चैनल ने देखने के बाद, भाई क्वेश्चन पेपर देखने के बाद कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, उनको देखने के बाद अब ये पैटर्न का जो वीडियो बनाया, ताकि बच्चों के पास जो भी इन्फॉर्मेशन जाए एग्जैक्ट और करेक्ट जाए। और स्टडी मटेरियल भी इस चैनल पे अवेलेबल है, जैसा मैंने बताया है, अगर किसी भी स्टूडेंट को चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर होगा, उस पर आप अपना व्हाट्सअप से के थ्रू नोट्स मंगा सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड और HSBT से रिलेटेड अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। थैंक यू वेरी मच।